चार पांच इशू है जो उनको दिए हैं। पहला ये है कि एफआईआर की कॉपी धाराएं उसमें 302 रुपए उसमें लगेगी, लड़के का नाम 120 बी ये सारी आएगी, मंत्री की बर्खास्तगी ये एक मेन इशू रहेगा क्योंकि जब उसके लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि उनके पक्ष ना ले उसकी बर्खास्तगी। इन परिवारों को मुआवजा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी, ये सारे इशू 5-6 इशू और ये रहे हैं। तो बर्खास्तगी पे प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन? अभी प्रशासन को दे दिया है हमने कि ये है, आप सरकार से जाके बातचीत आप कर लें। यानी अगर क्रमशः आप कहें तो आप केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की बिल्कुल बर्खास्तगी तो जाएगी भाई। केंद्रीय मंत्री के पूरी जो वीडियो है 10 दिन पहली वो आप देख सकते हो, प्री प्लान ये है। दूसरा ये है कि उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट आएगी वो भी इसमें सवाल है क्योंकि फर्स्ट हमलाकर हुए हैं, उन्होंने हमला करा है, अपने बचाव में कोई दूसरा भी एक्सीडेंट हुआ तो अपने बचाव में हो जाए। तो किसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? गिरफ्तारी जो लड़का उनका है, ट्रेनिंग का लड़का। अच्छा, जिसने गोली चलाई, गाड़ियां चढ़ाई, उसकी गिरफ्तारी। यानी आप केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, उनकी गिरफ्तारी की। केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी की मांग, वो उसमें जांच में आएगा पूर्ण रूप से, 120 बी में आएगा तो गिरफ्तार भी होंगे। यस, तो आपने मुआवजा कितना मांगा? 1 करोड़ रुपया। अगर ये सारी मांग मान ली जाती है तो? अरे मान ली जाती है तो मांग तो मान ली जाती है, उसी के लिए तो है अभी आप जी। तो ये जो लाश संस्कार है कब होगा? वो उसी के बाद में बातचीत होगी, अभी उनको बता दिया, वे बताएंगे, जवाब देंगे क्या उनका कहना है। तो प्रशासन का क्या कहना था? अभी वो गए हैं, उनको दे दिया है पूरा जो पेपर है वो दे दिया उनको कि जाकर आप सरकारों से बातचीत करो। तो बताने को उन्होंने कहा? अभी हम तो बैठे हुए यही, अब तो वे बताएंगे, आप उनसे पूछो।